नमस्कार, इंडिया 24 में सावन लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी कैबिनेट में अब अगले एक या दो दिनों में बदलाव हो सकता है। कई नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को अब राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में संकेत साफ है कि इस बार कई मंत्रियों को बदला जा सकता है और बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट का विस्तार 8 जुलाई यानी कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे हो सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में होने जा रहे ये बदलाव सबसे बड़े बदलाव माने जा रहे हैं। एक अहम कारण ये भी है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से भारत में तबाही मचाई, उस दौरान केंद्र सरकार की छवि पर गहरी चोट पहुंची है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के जरिए काम को गति देने में और सभी समीकरणों को ठीक करने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय, क्षेत्रीय और दलीय समीकरण को भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में यहां पर बड़ा फोकस रहेगा। वहीं बिहार को भी तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि यहां पर बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में है। ऐसे में बिहार से सहयोगी दल को मौका मिल सकता है। अगले साल होने वाले 5 विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को भी इस विस्तार से साधा जा सकता है। कैबिनेट विस्तार का एक बड़ा कारण ये भी है कि मोदी सरकार में इस वक्त कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय हैं। पीयूष गोयल, हरदीप पुरी समेत कई मंत्रियों का नाम इसमें शामिल है। ऐसे में अगर 20 में से अधिक मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार के जरिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो अतिरिक्त प्रभार वाले मंत्रियों पर से बोझ भी कम होगा। आपको बता दें कि बिहार से जनता दल सहयोगी यूनाइटेड को तवज्जो मिल सकती है, तो वहीं बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस गुट को भी तवज्जो मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में अपना दल को तवज्जो दिया जा सकता है। जिन राज्यों पर फोकस रहेगा वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों पर पूरा फोकस किया जाएगा। अभी मंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे जिन मंत्रियों का नाम है उनमें पहले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल, नारायण राणे, शांतनु ठाकुर, पशुपति पारस, सुशील मोदी, राजीव रंजन, संतोष कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, प्रवीण निशा। को बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की पटकथा लंबे वक्त से लिखी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कई बार लंबा मंथन भी किया है। इसके अलावा पार्टी स्तर पर भी लगातार बैठकें की जा रही हैं। ऐसे में कई दिनों से कैबिनेट विस्तार के संकेत सामने मिल रहे हैं, जो अब काफी जल्द हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि कैबिनेट का विस्तार 8 जुलाई यानी कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे हो सकता है। इससे पहले कई मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और कई मंत्री दिल्ली पहुंच भी गए हैं।